एयू फाइनेंस बैंक, जिसका नाम आपने इससे पहले जरूर सुना होगा, ये मामला इसी बैंक के फ्रॉड से जुड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2017 का है। पीड़ित मधुसूदन त्रिवेदी ने अपनी मौसी शांति देवी के नाम से लोन लिया था। उस दौरान बैंक ने बीमा राशि काटकर लोन की रकम खाते में डाली थी। साल 2017 में ही हितग्राही शांति देवी की मौत हो गई। जब क्लेम सेटल के लिए मधुसूदन बैंक पहुंचे तो पता चला इस नाम से बैंक ने कोई बीमा पॉलिसी बनाई ही नहीं थी। अब मधुसूदन उपभोक्ता फोरम से लेकर पीएमओ तक शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद बैंक उन्हें लगातार किश्तें भरने के लिए परेशान कर रही है। बहुगुणा साहब ने पहली बार तो बोल दिया था कि हाँ हुआ है फ्रॉड, बाद में इन दोनों ने नीचे से क्या फीडबैक दिया कि उनने बात करना ही बंद कर दी। ऊपर दूसरी बार फिर मिला तो बोला आप उन्हीं के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। इसके अलावा आप आगे कहाँ गए? उसके अलावा मैं उपभोक्ता फोरम में गया। उपभोक्ता फोरम में अभी भी लंबी थे केस, 22-8 तारीख लगी हुई है, पर ये भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं कि फ्रॉड हुआ है। इतना बड़ा स्कैम होने के बाद भी ये जो है कोई सहयोग करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना कोई डिसीजन दे रहे हैं अभी तक। और वो SDM कोर्ट में बैंक ने सॉल्वेंसी के लिए लगा रखा है, उसका अभी चल रहा है, मतलब फैसला आया नहीं है अभी तक। और आए दिन बैंक और इधर से फोन आते रहते हैं कि आप पैसे जमा करिए, पैसा जमा करिए, और परिवार को और सबको परेशान किया जा रहा है। मधुसूदन ने इसकी शिकायत रतलाम SP से भी की है, हालांकि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में उनकी कोई मदद नहीं की है। एक त्रिवेदी नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि उसने अपनी बीवी के नाम पे लगभग 90,68,000 का लोन लिया था, और उसके बाद में जब उसकी पत्नी की डेथ हो गई है तो उसमें जो उसकी बीमा पॉलिसी थी जो 2017 की थी उसको 2022 में बनाकर कूट रचना की गई है और डिजिटल सिग्नेचर भी फ्रॉड किया गया है। उसके संबंध में जो शिकायत की है CSP रतलाम को, उसको मार्क कर दिया गया है। या इसके संबंध में जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके और जांच रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। ये मामला अभी आज पहली बार मेरे संज्ञान में आया हुआ है। प्राइमा फेसी पढ़ने के बाद में मामला जो है, अगर उसमें डॉक्यूमेंटेशन सही है जो पीड़ित बता रहा है, ऐसा वैसे डॉक्यूमेंटेशन पाए जाते हैं एक्चुअल में, तो संज्ञान लेने जैसा है और तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उधर इस पूरे मामले में रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने भी अपनी राय रखी है। एक्चुअली जब भी लोन देती है बैंक कोई भी बड़ा लोन, मतलब टिकट साइज 10 लाख 5 लाख एक बड़ा रहता है जो नॉर्मल, उस केस में लोन को सिक्योर करने के लिए आजकल इंश्योरेंस कंपनियों के क्रेडिट एश्योर या ऋण सुरक्षा के नाम से पॉलिसियां चलती हैं। उस केस में क्या रहता है कि यदि व्यक्ति को जो हितग्राही है, जो लोन जिसके नाम से है, यदि उसको कुछ हो जाता है तो पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी जिसने भी इंश्योरेंस करा है वो चुकाती है। इस केस में जैसे इन्होंने बताया मेरे को कि जिसके नाम से मासी जो है, मतलब मासी बोलते हैं एक्चुअली इनकी मदर थी वो, तो उनके नाम से जो लोन था तो वो पॉलिसी ही नहीं मिल रही इनको। और उस टाइम पर जो इन्होंने 2017 या समथिंग उसके पहले का था ये लोन, तो उस टाइम पर जब इन्होंने करा था तो उस टाइम पेमेंट भी करा था इन्होंने इंश्योरेंस के पर्पज से बैंक को, बैंक ही काटती है और बैंक ही इंश्योरेंस कंपनी को पे करती है, क्रेडिट एश्योर पॉलिसी हो जाती है, जनरेट होकर आ जाती है बैंक के पास, और नॉर्मली क्या सिक्योरिटी रहती है तो बैंक के पास ही रहती है सुरक्षित।